Hello, my dear students. Good morning to all. Today's date is 15/6/2020. Subject Science, Class 5, Book Galaxy, Chapter 2. My dear students, in the last class we have read about how do communicable disease spread. हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि communicable disease कैसे करके फैलता है, किसके द्वारा फैलता है, तो क्या किसके द्वारा फैलता है? Through direct contact and air. किसके द्वारा? The direct contact and air के द्वारा. उसके बाद थ्रू फूड एंड वाटर, थ्रू एनिमल्स. तो ये सब चीजों के द्वारा हमें कम्युनिकेबल डिजीज होने की संभावना बनी रहती है, राइट? तो आज हम पढ़ेंगे प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीज. हम लोग कैसे करके वो कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट? रोक सकते हैं अपने आप को होने से. हम लोग अपने आप को कैसे संभाल के रोक सकते हैं? देयर आर मेनी वेज ऑफ प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीज. बहुत सारा तरीका है जिससे हम अपने अपने आप में यूज करके अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट? सो यहाँ पे कुछ मेथड्स बोला गया है, चले पढ़ते हैं. सनलाइट एंड हीट. सनलाइट इज ए नेचुरल डिसइंफेक्टेंट. सनलाइट क्या है? एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है. इट किल्स माइक्रोब्स. वॉश बेड शीट्स, मैट्रेस एंड क्लोथ्स दैट एन इन्फेक्टेड पर्सन हैज यूज्ड एंड एक्सपोज देम टू सनलाइट. हीटिंग फूड टिल इट बॉइल्स और क्रिस्प फ्राइंग ऑल्सो किल्स मेनी माइक्रोब्स. अब देखिए, सनलाइट इज ए नेचुरल डिसइंफेक्टेंट. सनलाइट क्या? एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है जो कि जम्स मार देता है. सनलाइट क्या? एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है जो कि जम्स को मार देता है. तो इट किल्स माइक्रोब्स. ओके, वॉश बेडशीट. हमेशा बेडशीट को धोइए, मैट्रेस एंड क्लोथ्स को जो इन्फेक्टेड पर्सन यूज करता है, राइट? और उसको डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोज कीजिए, मतलब सनलाइट में आप सुखाने के लिए रख दीजिए. तो इसके द्वारा क्या होता है, वो मैट्रेस, बेडशीट, क्लोथ्स क्या होता है, हीट होता है, जिसकी वजह से वो उसमें जो माइक्रोब्स रहता है वो सब मर जाता है, राइट? हीटिंग फूड टिल इट बॉइल्स. जो खाना पकने तक उसको अच्छी तरह से बॉइल करते रहिए. एंड क्रिस्प फ्राइंग ऑल्सो किल्स मेनी माइक्रोब्स. और डीप फ्राइंग क्या करता है? बहुत सारे माइक्रोब्स को मार देता है, ठीक है? तो सनलाइट एंड हीट के द्वारा हमें माइक्रोब से बच सकते हैं, बिकॉज वो डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, ठीक है? चलिए अभी पढ़ते हैं क्लीन वाटर एंड फूड. कैसे करके साफ खाना और पीना हमें मदद करता है. वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग by boiling, chlorinating and using water filters. Water can be made safe. Water को हम लोग सुरक्षित कैसे बना सकते हैं? Boiling के द्वारा या फिर chlorinating के द्वारा या फिर water filters इस्तेमाल करके. Clean and germ-free drinking water will keep you safe from diseases such as typhoid, jaundice and cholera. Inculcate these hygiene habits. Okay. Clean and germ-free drinking water. जो हम लोग जैसा साफ सुथरा पानी अगर पियेंगे तो हमें क्या डिजीज से बच सकते हैं? हम लोग टाइफाइड, जॉन्डिस एंड कॉलेरा के चंगुल से, ठीक है? तो कुछ यहाँ पे हाइजीन हैबिट्स दिया गया है, उसे आपको फॉलो करना है. वॉश हैंड्स फ्रीक्वेंटली विद सोप एंड वाटर, स्पेशली बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग. डर्टी हैंड्स एंड नेल्स कैरी अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोब्स. हमेशा अपना हाथ को खाने के पहले या खाने के बाद धोइए, जिसके वजह से आपका नेल्स और जो हैंड्स में डर्टी रह जाता है वो क्या करता है, बहुत सारा माइक्रोब्स लेके घूमते रहता है, राइट? वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स थ्रूली बिफोर यू कुक और ईट देम. कोई भी सब्जी या फल को धोइए खाने के पहले या फिर उसे पकाने के पहले. इमेजिन थ्रू हाउ मेनी हैंड्स और प्लेट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स माइट हैव पास्ड बिफोर दे रीच्ड यू. रिमेंबर टू स्टार्ट विद द फार्मर हु ग्रोज देम. अब देखिए, एक सब्जी को आपके तक पहुंचने के पहले कितना जन का हाथ लगता है, राइट? फार्मर से लेके उसके बाद फिर सेलर के बाद फिर शॉपकीपर, उसके बाद आपके पास आता है. तो बहुत सारे हैंड्स के द्वारा फ्रूट्स या वेजिटेबल्स छू के आता है. तो उसी के लिए आपको सबसे पहले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से शार्प कर धो लेना चाहिए. ऑलवेज कीप द फूड कवर्ड टू प्रिवेंट फ्लाइज फ्रॉम सिटिंग ऑन इट. हमेशा खाना को ढक के रखना चाहिए जिसकी वजह से फ्लाइज उसमें ना बैठे. स्टोर फूड एंड वाटर इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स. हमेशा साफ सुथरे कंटेनर में खाना को रखना चाहिए या फिर स्टोर करना चाहिए, ठीक है? सो ये सब है कैसे करके हम लोग सनलाइट और हीट के द्वारा अपने आप को कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड होने से बचा सके, और क्लीन वाटर एंड फूड के द्वारा. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैसे हम लोग ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज एंड फ्लाइज को प्रिवेंट कर सके, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही. आई वॉन्ट यू टू रीड दिस एट होम. थैंक यू क्लास.